टीम इंडिया इस साल तीन बड़े इवेंट में हिस्सा लेने वाली है। सबसे पहले भारतीय टीम को एशिया कप खेलना है, इसके बाद एशियन गेम्स और फिर वनडे वर्ल्ड कप। इस बार एशियन गेम्स में महिलाओं के साथ साथ पुरुष टीम भी क्रिकेट मैच खेलेगी। इस इवेंट में होने वाले टीम इंडिया के मैचों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। चीन ने एशियाई खेलों के लिए क्रिकेट का शेड्यूल जारी कर दिया है। भारत की पुरुष और महिला दोनों क्रिकेट टीमें सीधे टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगी। अगर भारतीय महिला टीम फाइनल में पहुंचती है तो महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर खेल सकेंगी। क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में हरमनप्रीत कौर को बेंच पर बैठना होगा, क्योंकि बांग्लादेश में अंपायर के साथ दुर्व्यवहार के कारण आईसीसी ने उन पर दो मैचों का प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं एशियन गेम्स में पुरुष टीम के मैच 28 सितंबर से शुरू होंगे और फाइनल मुकाबला 7 अक्टूबर को खेला जाएगा। अगर भारतीय टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी तो उन्हें लगातार 3 दिन मैच खेलने होंगे। पहला मैच 5 अक्टूबर को क्वार्टर फाइनल होगा, फिर 6 अक्टूबर को सेमीफाइनल और 7 अक्टूबर को फाइनल खेला जाएगा। पूरी संभावना है कि भारत का क्वार्टर फाइनल अफगानिस्तान या बांग्लादेश की टीम से होगा। अगर भारतीय टीम फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहती है तो उसके मैचों की शुरुआत भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे से होगी। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलना।